टुडे आई एम डिलीवरिंग ए लेक्चर ऑन हेमोराइजिक सेप्टिसीमिया डिजीज इन एनिमल्स फॉर BSCAG थर्ड सेम एंड यूनिट फिफ्थ. व्हाट इज हेमोराइजिक सेप्टिसीमिया? हेमोराइजिक सेप्टिसीमिया कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इज एन एक्यूट contagious disease which occur notable in cattle and buffaloes and to the lesser extent in other ruminant as well as other animals with high mortality rate 80 to 90%. It is one of the most serious disease of large ruminants in Southeast Asia. More than 40,000 cattle or buffaloes, this disease out of this every year in India death, causing a great loss of the national economy. The disease appears on onset of the rainy season. In India, it is estimated that hemorrhagic septicemia is responsible for approximately half of the bovine deaths. It is one of the diseases most affecting the livelihood of the poor livestock keepers. The disease is most common in the buffaloes than in cattle. Etiology or causes. इस रोग के फैलाने वाले जो अपने बैक्टीरिया हैं वो इट्स कॉजल ऑर्गेनम इज पास्टुरेल्ला मल्टोसीडा. यह रोग पास्टुरेल्ला मल्टोसीडा नामक बैक्टीरिया से पशुओं में फैलता है. मोड ऑफ इन्फेक्शंस. द कॉजल ऑर्गेनिज्म में गेट entry into the body of an animal through inhalation, injection and skin. Incubation period. Hemorrhagic septicemia एक बहुत ही भयानक और बहुत तीव्र गति से यह बीमारी फैलती है जिसमें 80 से लेकर 90% जो हमारे पशु हैं वो क्या होते मर जाते हैं. तो निश्चित रूप से इनका इनक्यूबेशन पीरियड बहुत ही कम होता है. जैसे ही स्वस्थ पशुओं के पास इनके बैक्टीरिया प्रवेश शरीर में करते हैं तो लक्षण आने में 1 से लेकर 3 दिन तक ही लगते हैं. और यह बहुत इसलिए खतरनाक है कि कोई भी पशुपालक या पोल्ट्री फार्मर इसको नहीं समझ पाता है कि ये जो है 1 से 3 दिन में जो है क्या लक्षण आ गया और गला घोटू जो है ये सांस लेता है घर घर की आवाज़ करता है. तो इसमें जो है 1 से 3 दिन में पशु को कोई बचा नहीं पाता है और पशु जो है मोस्टली क्या 80 से 90% मर जाते हैं. इसलिए 1 से 3 दिन मतलब समय बहुत ही पीरियड कम है इनक्यूबेशन का. इसलिए ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है. इसके लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं. पहला है एक्यूट फॉर्म में सडन राइज इन द बॉडी टेम्परेचर अप टू 104 degree Fahrenheit टू 108 degree Fahrenheit. फीड रिलक्टेंस ड्रॉपिंग ईयर्स डलनेस कंस्टिपेशन इन द बिगिनिंग and mucus discharge with the feces are some of the symptoms of this form. Most cases are acute and per-acute causing death within 8 to 25 hours after onset. Acute form एक बहुत तीव्र गति से इसमें रोग के जो है लक्षण दिखाई देते हैं. इसमें काफ़ी बुखार हो जाता है, आँख कान जो है बिल्कुल झुक जाते हैं और इसमें जो है 8 से लेकर 24 घंटे में जो है पशु क्या है मर जाते हैं. सेकंड,
ओडोमेट्रस फॉर्म, इसमें हाई फीवर्स हार्ट एंड पेनफुल स्वेलिंग इन डेवलप, मतलब कि जो गलकंबल जो नीचे गलकंबल होता है उसमें जो है स्वेलिंग हो जाती है और काफ़ी जो है उसमें दर्द होने लगता है। एंड नेक का रीजन टंग्स स्वेल्स एंड कम आउट ऑफ द माउथ, एक्सेसिव सलाइवेशन स्वेलिंग इन द टंग एंड नेक रिजल्ट इन डिफिकल्ट ब्रीथिंग एंड सफोकेशन विथ ए साउंड घर 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 की आवाज़ आती है इसमें। ऑल द म्यूकस मेंबर्स टर्न्स रेड एट द लास्ट, द एनिमल्स लूज कंसीसियस लाइज ऑन द ग्राउंड एंड डाइज विद इन ए फ्यू आवर्स। ये भी उससे भी खतरनाक है, इसमें कुछ ही घंटे में हमारे पशु मर जाते हैं क्योंकि वो लास्ट स्थिति चलती है और घर घर की आवाज़ तब होती है जब 75 से 80% उसके लक्षण उसमें हो जाते हैं। पशु इसमें बहुत बेचैन होता है और बहुत ही छटपटाता है और डॉक्टर न रहने की अवस्था में या उसकी व्यवस्था न करने में पशु तुरंत मर जाता है। थर्ड फॉर्म है पेक्टोरल फॉर्म। इन दिस फॉर्म द सिम्टम्स आर लाइक दोज ऑफ द निमोनिया के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। डीप एंड फास्ट रेस्पिरेशन, मतलब श्वसन जो है बहुत ज़्यादा जो है गहरा और तेज चलने लगता है, इसमें जो है कफ आ जाते हैं। नॉजल डिस्चार्ज विद द लेटर चेंजेज इन टू ए स्ट्रिंग लाइक, द एनिमल हैज फीवर एंड डाइज विद इन 1 to 7 days। इसमें पशु जो है 1 से लेकर 7 दिन में मर जाता है। पोस्टमार्टम ऑफ द डेड बॉडी शो कॉन्गेस्टेड म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ओडेमा ऑफ लिम्स नोड्स एंड लंग्स, गैस्ट्रो इंटेरिस्टिस रेड इन्फ्लेमेशन एंड हेमोरेजिक स्पॉट्स ऑन द वेल ऑफ इंटेस्टाइन एंड स्टमक। हाउ टू डायग्नोसिस सिम्टोमेटिक्स, द डिजीज कैन बी डायग्नोस्ड बाई ऑब्जर्विंग द एफोरसेड साइन ऑफ द डिजीज, थ्रोट स्वेलिंग एंड नॉर्मल साइज ऑफ द स्प्लीन और द इम्पोर्टेंट सिम्टम्स फॉर इट्स डायग्नोसिस। कल्चरल बैक्टीरिया मे बी आइडेंटिफाई बाई द कल्चरल एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लड। ट्रीटमेंट, देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ दिस एपिडेमिक डिजीज। वंस इट अपीयर्स द वैल्युएबल एनिमल्स डाई विद इन आवर्स। ट्रीटमेंट मे बी इफेक्टिव एट इट्स अर्ली स्टेज बट इट ए कोर्स इज सो शॉर्ट दैट इट्स साइंस गेट ओवरलुक्ड एंड द एनिमल्स डाई। एंटीसीरम ऑफ दिस डिजीज एंड द मेडिसिन सच एज सल्फेडीमिडीन, सोडियम होस्टेसाइक्लिन, टेरामाइसिन, एग्रोमाइसिन, एम्पसिलिन, जेंटामाइसिन, ओबनामाइसिन एंड स्टे क्लीन और मोस्ट इफेक्टिव यूज्ड फॉर इट्स ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन अगेंस्ट दिस डिजीज शुड बी कैरिड आउट एनुअली अबाउट ए मंथ बिफोर द ऑनसेट ऑफ द डिजीज। होमोरेजिक सेप्टिसीमिया कंपोजिट ब्रोथ वैक्सीन इज यूज्ड फॉर दिस। वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया के लिए जैसे ही मार्च अप्रैल में गर्मी पड़ती है उसी समय हम इसको जो है वैक्सीनेशन कर सकते हैं। और जो हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया है वो साल भर में 2 बार आता है, एक तो गर्मी में आता है और दूसरा ठंडा के समय में आता है, और दोनों में लक्षण अलग अलग होते हैं।
तो गर्मी वाला जो लक्षण है उसमें फीवर्स भी होते हैं, घर घर की आवाज़, श्वसन जो है काफ़ी बढ़ जाती है और पशु मर जाता है। लेकिन ये जो लक्षण जाड़े में लक्षण ये नहीं आते हैं, जाड़े में लक्षण आते हैं कि उसको बुखार भी हो जाता है और गोबर के साथ वो खून रक्त युक्त जो है गोबर करता है, तो समझ जाइए उसको हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया होता है। तो 6-6 महीने पर हम यदि वैक्सीनेशन का कार्य करें, लगवाएं, तो निश्चित रूप से प्रिवेंशन हो सकता है। यदि रोग लग गया और वैक्सीनेशन का कार्य करते हैं तब ये डिजीज में कोई भी हमसे इससे निजात नहीं मिल सकता है, तो वैक्सीनेशन हम समय से करवा लें तो बेहतर होगा। आयल एडजुवेंट वैक्सीन प्रोटेक्ट्स द एनिमल्स फॉर 27 मंथ्स वेयर एज एलम प्रीसिपेटेड वैक्सीन एंड ब्रोथ वैक्सीन प्रोटेक्ट ओनली फॉर 5 and 2 months रिस्पेक्टिवली। जैसा कि हमने बताया कि पाँच फॉर 5 and 2 months मतलब 2 months के बीच में इस वैक्सीन का जो है प्रोटेक्शन हो सकता है, इसके बाद जो है नहीं होगा। तो ये दोनों तरह की हैं, तो हम इस वैक्सीन का प्रयोग कर सकते हैं और अपने लाइव स्टॉक को बचा सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया हो जाता है तो पैसा भी बहुत लगता है और पशु भी मरने की संभावनाएँ ज़्यादा रहती हैं। तो इसलिए इसका एक ही उपाय है कि टीकाकरण समय से अवश्य हमारे पशुपालक भाई करवा लें, तो निश्चित रूप से हमारा लाइव स्टॉक सुरक्षित रहेगा और हमारे देश की इकोनॉमी में ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।